समुद्र मंथन की लीला आती है कि एक साइड देवता रहते हैं और एक साइड दानव रहते हैं। तो जब देवता लोग हार जाते हैं, उनको उनके गुरु बृहस्पति का श्राप मिलता है, वो बृहस्पति का अपमान करते हैं, तो देवता लोग हार जाते हैं युद्ध में दानवों से, क्योंकि अगर कोई गुरु का अपमान करेगा तो उसका पुण्य जो है वो समाप्त हो जाता है, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है। तो जब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया तो उनका पुण्य क्षीण हो गया और उस स्थान के कारण उनका क्षय हो गया। अभी देवता हार चुके हैं तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास शरण में गए कि अब क्या करें हम, तो आपने गुरु का अपमान किया है, गुरु की निंदा करी है, तो आपका कहीं स्थान नहीं मिल पाएगा आपको, अभी आप दानवों से नहीं जीत सकते, अभी आप करें कि उनसे संधि कर लीजिए। तो कूटनीति में एक भी कहा जाता है कि अगर आप अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उसे संधि कर लेनी चाहिए। तो उनको लगा कि अभी हमारा समय अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने दानवों के साथ मिलकर ये संधि कर ली। और संधि के प्रस्ताव जो है, उस समय जो राजा थे दानवों के, उनका नाम था राजा बलि, और बलि महाराज के साथ साथ मिलकर उन्होंने संधि कर ली। तो हमेशा से चलता आ रहा है कि कभी देवताओं का राज्य होता है, कभी दानवों का राज्य होता है, समय समय काल चलता है, समय का जो युग चलता है तो उसके सामने कोई ठहरे नहीं सकता है। पहले भी जब देवताओं का शासन था तो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया था, तो फिर दानवों का शासन आ गया, फिर हिरण्याक्ष को भगवान वरा ने मारा तो फिर देवता आ गए, फिर देवताओं को फिर हिरण्यकश्यप ने हराया तो फिर दानवों का शासन हो गया, फिर जब देवताओं ने फिर गुरु के प्रति अपराध किया तो फिर बलि महाराज का शासन आ गया, और फिर बलि महाराज को जब शासन आया तो वामन अवतार आए उनका शासन तोड़ने के लिए, तो फिर देवताओं का समय आ गया। तो ऐसे समय समय कालांतर में कभी देवताओं का समय रहता है, कभी दानवों का समय रहता है। तो इस समय जो है दानवों का समय था, और उन सब ने निश्चय किया कि हमें ठाकुर जी से दानवों से संधि करनी चाहिए। तो देवता लोग बड़े विनम्रता के साथ बलि महाराज के पास जाते हैं, तो दानव लोग बोलते हैं आक्रमण कर दो, तो बलि महाराज बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप इन पर आक्रमण मत करो, इनका जो भाव है वो अभी आक्रमण करने का नहीं है, इसलिए हम इन पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो दोनों आपस में बैठते हैं कि बोलो हम अमृत कलश निकालते हैं, और जब अमृत का कलश निकाला गया तो अमृत के कलश में निकालने के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया गया। तो एक साइड देवता और एक साइड दानव थे, और बहुत बड़ा पर्वत, सोने का पर्वत, मंदराचल पर्वत को उठाया गया, और उसमें वो पर्वत नीचे ज़मीन में गिर गया। तो भगवान का एक और अवतार हुआ था इस लीला में, उसका नाम था कच्छप अवतार। भगवान को जब खुजली होती है तो भगवान कछुए का रूप ले लेते हैं, और कछुए के ऊपर जब पर्वत चला तो उनकी खुजली जो है वो समाप्त हो गई ना। कभी कभी हम देखते ना बड़े बुजुर्गों को खुजली हो जाती है, तो पोते को बोलते बेटा तो खुजला दे, तो उसी तरह से उनको बड़ी खुजली हो गई थी भगवान को, तो उन्होंने कच्छप अवतार लिया। इस लीला में भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, अजीत अवतार भी हुआ है, फिर उसके बाद कच्छप अवतार भी हुआ है, और फिर उसके बाद मोहिनी अवतार भी इसी लीला में हुआ है। तो कच्छप अवतार होने के बाद उन्हें समुद्र मंथन को स्टार्ट किया, और वासुकी को जो है वो रस्सी बनाई खींचने के लिए, और रस्सी खींचते खींचते सबसे पहले 14 रत्न प्राप्त हुए शास्त्र बताते हैं। तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, जो शिवजी पी जाते हैं, तो शिवजी का नाम जो है वो नीलकंठ पड़ जाता है, तो भगवान जो है उनका गला जो है वो नीला पड़ जाता है। तो और इसके अलावा और भी रत्न निकलते हैं, जैसे लक्ष्मी जी निकलती हैं तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान का वरण कर लेती हैं, और फिर उसके बाद हरावत हाथी निकलता है तो उसको देवता ले जाते हैं, और उच्छैश्रव घोड़ा निकलता है तो उसको दानव निकल जाते हैं। तो इसी तरह से 14 और तरह के रत्न निकलते हैं तो उसको देवता दानव आपस में बांट लेते हैं। फिर अंतिम में धन्वंतरी अवतार, तो भगवान का इस लीला में एक और अवतार हुआ है, मोहिनी अवतार भी हुआ है, धन्वंतरी अवतार भी हुआ है, कच्छप अवतार भी हुआ है, जो मंदार पर्वत को उठाने के लिए अजीत अवतार भी हुआ। तो इस लीला में कम से कम 4 अवतारों का प्राकट्य हुआ है। और इस अमृत प्रकट होने के बाद जो है दानव लोगों ने आक्रमण किया, अटैक किया, और देवताओं से अमृत कलश छीन लिया। तो भगवान विष्णु ने पहले ही बोला था चिंता मत करना, मैं
तुम्हारी रक्षा करने आऊँगा। तो भगवान को लगा कि अगर ये सारा अमृत दानव पी गए तो पृथ्वी पे हाहाकार मच जाएगी, पृथ्वी पे उत्पात हो जाएगा। तो इनसे गलत लोगों के हाथ से अमृत लेना जरूरी है, क्योंकि गलत अच्छी चीज़ भी अगर गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनको लगा कि अमृत जो है वो केवल देवताओं को मिलना चाहिए। तो भगवान बहुत सुंदर रूप में, बहुत स्त्री का वेश धरते हुए, बहुत अच्छा रूप धरते हुए दानवों को मोहित कर लेती हैं वो, और उनसे अमृत कलश छीन कर देवताओं को एक पंक्ति में बिठा देते हैं और दानवों को एक पंक्ति में बिठा देते हैं। और उसके बाद देवताओं को तो जो है अमृत मिल जाता है और दानवों को जो है वो सोमरस पिला देते हैं। तो इस तरह से दानवों को कुछ नहीं मिलता है। पर एक जो राक्षस है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाता है, उसको कभी कभी राहु भी बोलते हैं, तो वो जो देवता है दानव जो है राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ जाता है और वो अमृत पी लेता है। तो फिर सूर्य चंद्रमा बोलते हैं अरे ये तो राक्षस हैं। तो भगवान तुरंत अपना सुदर्शन चलाते हैं और सुदर्शन चलाते ही उसका गला कट जाता है और उसका शरीर जो है वो मर जाता है, पर गले ने तक अमृत पी लिया था इसलिए आज भी उसका पार्ट जीवित है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण लगते रहते हैं और राहु जो है इनके बीच में आता रहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझने के लिए है, भगवान जो हैं हमें अमृत पिलाने के लिए रेडी हैं, पर हमें जो है माया से आकर्षित नहीं होना है। संसार का जो रस है वो हमें त्यागना पड़ेगा। अमृत प्राप्त करना है तो हमें संसार का जो आनंद है उसमें आनंद नहीं लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक आनंद लेंगे तो भौतिक आनंद को जो है हमें त्यागना पड़ेगा। जब तक हल्की सी वैराग्य की भावना नहीं आएगी तब तक प्रभु कृपा हमें नहीं मिल सकती। तो वैराग्य आना बड़ा जरूरी है और वैराग्य आएगा तभी हमें प्रभु की कृपा मिल सकती है। और एक और कथा हम सुनाते हैं, जैसे हम प्रभु राम की कथा सुनते हैं हम, क्योंकि हम राम जी के मंदिर में बैठे हैं। तो बताया जाता है कि महाभारत में भी एक कथा आती है कि युधिष्ठिर महाराज और इनके बीच में वार्तालाप होती है यक्ष के बीच में। तो बोलते हैं सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, जब पानी पीने जाते हैं युधिष्ठिर महाराज तो यक्ष महाराज उनसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है। पर युधिष्ठिर महाराज जो उत्तर देते हैं सबसे बड़ी बीमारी है वो है लालच। तो ऐसा ही लालच रामायण में भी किया गया। रामायण में जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो उस राज्याभिषेक के दौरान जो है जो मंत्रा जो है केकई को भड़का देती है और उनको भड़काने के बाद बोलती है अरे क्या कर रही है तू, कौशल्या की दासी बन जाएगी। मंत्रा जो है केकई को समझाती है तो बोले मैं क्या करूँ। बोले कि तुम्हारे दो वरदान बाकी थे वो अपने पति से मांग लो। तो वो जाके कोप भवन में छिप जाती है और उनसे दो वरदान मांगती है। तो यहाँ पर हम उनसे दो वरदान जो मांगती है वो यही मांगती है कि भगवान राम को जो है 14 साल का वनवास हो जाए और मेरे बेटे भरत का जो है राजा बनाया जाए। और दशरथ महाराज बोलते हैं कि तू बहुत पापी है, पापिन है, तू ऐसा वरदान मांग रही है मेरे से, ऐसा चीज़ मांग रही है जो तो नहीं मांगना चाहिए मेरे को। वो बहुत गुस्सा होते हैं अपनी पत्नी पर, क्योंकि पर उन्होंने वचन दिया है इसलिए अपने वचन जो है वो पूर्ण करते हैं। यहाँ पे लालच की जो भाषा हम देख रहे हैं वो केकई के स्वभाव में देखी गई कि केकई ने क्या किया, लालच किया अपने अपने आचरण में। और जब उन्होंने लालच किया बोलते लालच बुरी बला है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया सबसे बड़ी बीमारी जो है लालच। केकई ने भी क्या कहा था, लालच किया था, और लालच किया तो ना तो भरत राजा बना और जो दशरथ थे दशरथ को भी अपना शरीर त्यागना पड़ा, राम भी नहीं रहा और भरत भी उनके पास नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। अगर चुपचाप अगर राजा राम अगर लालच नहीं करती तो वो कोई उनको नुकसान नहीं था। जब जैसे ही उन्हें राजा राम को गद्दी से हटाया, उनका राज्याभिषेक रोका। यहाँ पे हम केकई के उदाहरण से सीख सकते हैं कि जीवन में जितना हमें भाग्य मिला है उतना हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर लालच किया तो बहुत पछताएंगे, जैसे केकई पछताई, उनका पति की भी मौत हो गई, उनका बेटा भरत भी उनसे नाराज हो गया, वो नंदीग्राम चला गया, वो भी उनके पास नहीं रहा, क्योंकि अयोध्या के पास जो जगह नंदीग्राम में वो जाकर अपना जगह निवास स्थान बनाते हैं। आज भी जाएंगे तो नंदीग्राम बहुत सुंदर जगह है अयोध्या के पास में, जहाँ हनुमान जी और भरत का मिलाप भी होता है। तो भरत महाराज जो हैं वो 14 साल नंदीग्राम में रहे थे, तो बहुत सुंदर जगह है, आप कभी जा सकते हैं अयोध्या के पास में। तो नंदीग्राम जाकर वहाँ पर उन्होंने भगवान राम की चरण पादुकाएँ लाकर उन्होंने वहाँ पर 14 साल जो है वहाँ पर अयोध्या का राज किया, पर गद्दी पे नहीं बैठे, गद्दी पे उन्होंने अपने भाई राम की चरण पादुकाएं वहाँ पर रखी थी। तो हमें यही केकई के प्रसंग से यही प्रेरणा लेनी है कि हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए, अगर लालच करेंगे तो
हमारे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, जो हमारे अधिकार में है उसको स्वीकार कर लीजिए। ज्यादा लालच करेंगे सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए प्रयास करिए कि आजकल के लोग जो हैं, बहुत विवाद चलता है घरों में प्रॉपर्टी को लेकर, तो खूब लालच करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी हम ले लें, माता पिता की प्रॉपर्टी हम ले लें, उसका हम छीन लें, लालच करते हैं तो उनको बहुत भयंकर पाप लगता है। तो हमें जो भगवान ने दिया है उसको संतुष्ट होकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हमें भगवान राम के प्रसंग से मिलती है, क्योंकि राम भगवान तो बड़े संतुष्ट थे, उन्होंने हंसते हंसते अपना राज्य त्याग दिया था, पर कई कई जो असंतुष्ट थी तो उसको जीवन भर पापिन होने का पाप जो है वो भोगना पड़ा। इसलिए अपने जीवन में संतुष्टि लाइए और संतोष लाइए और लालच ना करिए और अमृत को चखिए। ये हमारा जीवन का उद्देश्य है।